Hi dear students, welcome back once again Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikhai Vaidar. Today I am discuss about the various questions related to the evolution. हम लोग बेटा आज evolution के question की practice कर लेते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं पहले question से. Question number 1. Question number अगर 1 देखें, हम लोग कह रहा है कि Stanley Miller conducted experiment before 1953. On prebiotic earth environment using special apparatus, the primary surprising products were. तो पहला जो product का formation हुआ था वो क्या था बेटा? जो amino acid का formation हुआ था, ठीक है ना. दूसरे question की बात करते हैं, अगर हम लोग कह रहा है कि बेटा who proposed that the first form of life come from pre-existing non-living molecule से life आई, ये किसने बताया था? तो हीरो साहब थे, ओपेरिन एंड हार्डिन साहब ने ये बात बताई थी, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें बेटा, तो कह रहे हैं कि हाउ इज एक्सटेंशन रिप्रेजेंटेड इन अ फैमिली ट्री डायग्राम, ठीक है. तो इसमें हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, हाउ इज एक्सटेंशन रिप्रेजेंटेड इन अ फैमिली ट्री डायग्राम. तो ये बेटा व्हेन अ ब्रांच इज स्प्लिट्स, नहीं, व्हेन अ ब्रांच इज एंड्स, ठीक है. तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? थर्ड ऑप्शन होगा, व्हेन ब्रांच एंड्स, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कह रहा है कि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसीडर्ड, जो एटमॉस्फेयर था तो वो रिड्यूसिंग था बेटा, तो उसमें ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है ना. और अगर हम लोग देखें CO2 अमोनिया, एंड ये भी नहीं होगा, मेथेन होना चाहिए, यहाँ भी ऑक्सीजन दिया है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एनालॉगस आर्गन्स आर, कह रहा है कि एनालॉगस आर्गन क्या है. एनालॉगस का मतलब होता है AC, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है ना बेटा. तो बताइए, डिफरेंट इन ओरिजिन बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, या कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म कॉमन फंक्शंस. तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कह रहा है कि होमोलॉगस आर्गन शो HD डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, यानी पहला ऑप्शन होगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करें अगर 7 की, कह रहा है कि व्हाट इज कॉमन अमंगस्ट व्हेल शार्क सील, में कॉमन पॉइंट क्या है. तो अगर इसमें हम लोग देखें बेटा, ये सारे के सारे जो है क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है. अगर हम लोग 8 की बात करें, क्वेश्चन में थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया टेंडिल्स ऑफ द कुकुरबिटा आर एग्जांपल्स ऑफ, ये एग्जांपल होते हैं बेटा किसके, होमोलॉगस आर्गन के, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है ये एग्जांपल किसका है. तो अगर हम लोग इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात करें, जो एग्जांपल होता है बेटा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, एग्जांपल होता है ड्रग रेसिस्टेंस, पहला ऑप्शन, ठीक है ना. दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्री, प्रोटेक्टिव रिसिम्बलेंस विद सराउंडिंग, यस ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव रिसिम्बलेंस विद सराउंडिंग. डार्विन फिंचेस आर ए गुड एग्जांपल ऑफ, ठीक, डार्विन फिंचेस गुड एग्जांपल किसका है बेटा, एडेप्टिव रेडिएशंस का है, क्योंकि ये लोग अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ की जो है फिंचेस का इवॉल्व करके अडेप्ट हो रहे थे अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में, ठीक. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बेटा कि अडेप्टिव रेडिएशंस रिफर्स टू, अडेप्टिव रेडिएशंस हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है ना. अडेप्टिव रेडिएशंस कह रहा है पावर ऑफ अडेप्टेशन इन इंडिविजुअल टू अ वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट्स, नहीं. अडेप्टेशंस ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशंस, नहीं. इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, यस कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीशीज का जो है इवोल्यूशंस होना, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखें, कह रहा है कि फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइसलैंड एन एविडेंस ऑफ फेवर ऑफ बायो जियोग्राफिकल इवोल्यूशन, क्या कहते हैं हम लोग इसको बेटा, बायो जियोग्राफिकल इवोल्यूशंस हम लोग कहते हैं, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, अगर हम लोग कह रहा है कि 13 कि द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है ना, द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज यूज्ड बाय, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यूज किया था बेटा चार्ल्स डार्विन्स,
सेवन द फिटेस्ट वाज यूज्ड बाई हर्बर्ट स्पेंसर साहब, टर्म जो हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने दिया था, ठीक है ना, और चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी दी थी। थ्योरी इज गिवन बाई चार्ल्स डार्विन एंड टर्म इज गिवन बाई हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 कह रहा है कि तस्मेनियन ओल्फ एंड मार्शुपियाल वाइल ओल्फ प्रेजेंटल मैमल दिस इज आ, ये क्या है बेटा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, ये मैंने बताया भी था। डार्विन वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई, डार्विन इन्फ्लुएंस्ड हुए थे बेटा किससे, एशियन पॉपुलेशंस बाई मैलथस डी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस कॉल्ड साल्टेशन, क्या कहलाता है बेटा, साल्टेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कह रहे हैं पॉपुलेशन इज हार्ड विंग इक्विलिब्रियम फॉर सेम जीन विद टू ओनली टू एलील इफ द जीन फ्रीक्वेंसी अवेलेबल 0.7 है, द जीन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी ए इज, इसका क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ बेटा, क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 अगर कह रहा है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील 60%, डोमिनेंट एलील कितनी है बेटा 60%, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। तो अगर हम लोग उसकी पॉपुलेशन पता करें, डोमिनेंट की है 60%, तो यानी 0.6 कर लेंगे, उसमें से माइनस हम लोग कर लेंगे जो है, तो हो जाएगा 48%, कितना हो जाएगा बेटा 48%। ये बात ना समझ में आई हो तो बताऊँ मैं, डोमिनेंट एलील यानी कैपिटल ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू 0.6 है बेटा, तो स्मॉल ए, स्मॉल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है हेट्रोजाइगस की, हेट्रोजाइगस क्या होता है, 2AA, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 0.6 × 0.4, 6×24, 24×48, यानी कितना हो जाएगा, 0.48 × 100 कर लो, इंटू हम लोग क्या कर लें बेटा, 100 × 100 कर लें इसमें, एक मिनट, इंटू 100, तो इसमें कितना आ जाएगा, 0.8480%, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखें, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट्स फ्रॉम, रैंडम अगर चेंज हो रहा है तो हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल्स हमें मिलेंगे, इंटरब्रीडिंग विद इन पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट लो म्यूटेशन रेट लार्ज पॉपुलेशन साइज, नहीं, 19 का बेटा कौन सा ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू, नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन जो होता है स्टेबलाइजेशन की तरफ, डायरेक्शनल चेंज डिसरप्शंस, ठीक है ना, ऑल ऑफ दी अबव होगा, अलग अलग ग्राफ हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट मैमल्स वेयर लाइक, जो फर्स्ट मैमल्स थे वो बिल्कुल बेटा जो है किसकी तरह थे, रेप्टाइलिया की तरह थे, कौन सा है, नहीं, फर्स्ट मैमल्स वेयर लाइक श्रीव्स, किसकी तरह थे, श्रीव्स की तरह थे, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू स्टैंड इरेक्ट, कौन ऐसा था सबसे पहले स्टेट खड़ा हुआ, ठीक है ना, वो एस्ट्रोलोपिथेसिन्स थे, कौन थे बेटा, एस्ट्रोलोपिथेसिन्स थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, कह रहा है कि द एक्सटिंक्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स हु एट ओनली फ्रूट्स और 100 स्टोन वेपन्स, कौन सा, एस्ट्रोलोपिथेसिन्स था बेटा, एस्ट्रोलोपिथिकस, एस्ट्रोलोपिथिकस जो है ऑस्ट्रेलिया के थे, इंडिया में पत्थर मारते थे और फ्रूट खाते थे ये लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं अब 24 का, अगर को 24 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें देखें एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, ठीक है, एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, बिल्कुल सही है, एडेप्टिव एबिलिटी हैज़ अ जेनेटिक बेसिस, बिल्कुल सही। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाई नेचर, बिल्कुल सही, यानी ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसका बेटा करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शोज द प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेज ऑफ म्यूटेशंस व्हेन सेलेक्टेड, ठीक है, व्हेन सेलेक्टेड इन ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यू फेनोटाइप्स ओवर अ फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन, बिल्कुल सही,
नींदरथल फॉसिल्स रिप्रेजेंट अ ह्यूमन रिलेटिव, बिल्कुल सही। इन 1938 फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपन टू बी सिलाकान डॉल्फिन्स विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। द एनिमल्स इवॉल्व फर्स्ट इन टू एम्फीबियंस लाइक बोथ लैंड वाटर, बिल्कुल सही। लाइकेंस कैन बी यूज एज ए वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर, बिल्कुल गलत। वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर नहीं बेटा, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? एयर पॉल्यूशन यूज द वाटर नहीं, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर, क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि फिफ्थ ऑप्शन यानी ये वाला गलत हो गया। अल्फर्ड वल्लेस नेचुरलिस्ट हु वर्क्ड माइला आर की पेलागो हैज कम टू सिमिलर कंक्लूजन, बिल्कुल सही। यानी बेटा इसका ऑप्शन जो जाना चाहिए वो बी जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन? बी सही होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की बात करें, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स करेक्ट होमो इरेक्टस के लिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? होमो इरेक्टस जो होते थे बेटा उन हैड अ लार्ज ब्रेन साइज अराउंड 900 cc, बिल्कुल सही। होमो इरेक्टस ईट मीट अपीयर्ड 1.5 माया इवोल्व फ्रॉम होमो हैबिलिस, बिल्कुल सही। यानी बेटा इसका अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगे, ठीक है ना। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा इसका? ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अगर क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखें तो इसमें एक ख़ास चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, अब 28 की बात करते हैं, ठीक है। 27 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अब 28 की बात करते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये सब सवाल बहुत अच्छे होते हैं, करेक्ट नॉट करेक्ट वाले बहुत पसंद है हमको भी। अब इसमें कह रहे हैं कि लाइफ अपीयर्ड अबाउट 500 माया, बात बिल्कुल सही है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द, यानी हम लोग 4 कह सकते हैं बिलियन में। लुइस पास्टर बिलीव डेट लाइफ अपीयर्ड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, पी से पास्टर, पी से प्री एग्जिस्टिंग, बात सही है। ओपेरिन एडवोकेटेड डेट लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग हीरो, बिल्कुल सही है। यानी इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा बेटा ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट राइट ऑप्शन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो 29 में अगर हम लोग देखें, कह रहा है कि थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंडल्स कुकरबिट रिप्रेजेंट द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी होमोलॉगस हैं, ठीक है ना। बजा के हान टंटन घर से भागा तू, यानी डाइवर्जेंट HD डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सही है, ठीक है ना बेटा। चलिए दूसरा देखते हैं, सिमिलरिटी इन द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मंकी इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल सही। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो फॉर एग्जाम्पल होमोलॉगी, बिल्कुल गलत है ये थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल गलत है बेटा यहाँ। यानी इसका जो स्टेटमेंट करेक्ट है 29 का वो होगा बेटा ए, ये तो गलत था, ये दोनों सही थे, ठीक है। 30 देखते हैं, 30 में कह रहा है बेटा कि विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, वाइट विंज मॉस वेर कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, बिल्कुल गलत, ठीक है। सिंस द लाइकन डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, बिल्कुल गलत। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाइट विंज मॉस डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रीडेटर्स, आफ्टर वाइट विंज मॉस डिड नॉट सर्वाइव, यस इनको बहुत दिक्कत हो रही थी सर्वाइव करने में, यानी सी होगा, ठीक है ना बेटा। 31 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बेटा, होमो इरेक्टस लाइव इन ईस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया यूज्ड इन हाइव्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज, गलत बात है, ठीक। एग्रीकल्चर केम अराउंड 18,000 ईयर्स एगो, नहीं, प्री हिस्टोरिक केवार्ट आई थी। इसके खिलाफ मॉडर्न ह्यूमन रिसेंबल्स मोर चिंपैंजी, बिल्कुल सही। यानी कौन सा ऑप्शन बेटा? सी ऑप्शन करेक्ट होंगे। 32 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा फॉल्स नहीं है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग देखें तो पहला, लाइफ ओरिजिनेटेड इन मीसोजोइक एरा, लाइफ जो ओरिजिनेट हुई मीसोजोइक एरा में हुई, नॉट अ फॉल्स, ये फॉल्स है बेटा।
बी देखें, अर्थ वाज फॉर्म अबाउट 4.6 बिलियन, ये भी गलत। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव ओशन वाज कोसरवेट्स, नहीं। होमोलॉगस ऑर्गन शोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जो सही है वो बेटा डी ऑप्शन है। 33 देखें, 33 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा बेटा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो अगर इसमें हम लोग देखें, कह रहा है कि इंक्रीज इन मिलेनाइज्ड मौत आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द ग्रेट ब्रिटेन इज द प्रूफ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक सही है। व्हेन मोर इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन एक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू कॉल डिस्क्रिप्शन, नहीं स्टेबलाइजेशन बोलेंगे। चेंजेस इन एलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन विल लीड्स टू हार्ड विंगबर इक्विलिब्रियम, सही बात है। चेंजेस इन एलिक फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन विल लीड्स टू हार्ड विंग, नहीं गलत। जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंजेस एग्जिस्टिंग जीन और एलिक फ्रीक्वेंसी इन अ फ्यूचर जनरेशन, यस फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, यानी बेटा सी ऑप्शन होगा इसका, पहला और फोर्थ स्टेटमेंट जो है इसके करेक्ट हैं। 34 की बात करें, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रीडिंग हार्डी विंगबरी प्रिंसिपल, एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एलील फ्रीक्वेंसी जो है कॉन्स्टेंट है बेटा जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका अगर हम लोग देखें कौन सा है, 34 है ना बेटा, तो पूछा गया रॉन्ग, पहला ऑप्शन सही है। सम टोटल ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1, ये भी सही है, ठीक है। वेरिएशन ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंस चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एलील इन फ्यूचर जनरेशन, बिल्कुल सही। जेनेटिक रिकम्बिनेशन हेल्प इन मेंटेनिंग हार्ड विंगबल, नहीं जेनेटिक रिकम्बिनेशन हार्ड विंगबल को नहीं, यानी डी ऑप्शन इसका होगा बेटा। 35 देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 35 कह रहा है कि विंग्स ऑफ फर्स्ट फोर्थ टू ब्लैंक सेलेक्ट द ऑप्शंस व्हिच करेक्ट फिल्स टू ब्लैंक आउट ऑफ द फोर स्टेटमेंट्स। कह रहा है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक आर द रिजल्ट्स ऑफ, ठीक आर द रिजल्ट ऑफ, पहला है ए स्मॉल वेरिएशन इन इवोल्यूशन, ठीक। दूसरा कह रहा है मिलर शोज दैट मेथेन हाइड्रोजन अमोनिया, ठीक है अमोनिया व्हेन एक्सपोज टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ फ्लैश रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक। तो पहला कह रहा है कि स्मॉल वेरिएशन ए कन्वर्जेंट एंड बी ऑफ द फिटेस्ट, ए स्मॉल वेरिएशन बी सर्वाइवल फर्स्ट कन्वर्जेंट, पढ़ लेते हैं हम लोग बेटा एक बार पूरा। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन एंड एन एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कौन सा सर्वाइवल ऑफ द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक। अकॉर्डिंग टू द डार्विन इवोल्यूशन टू प्लेस ड्यू टू, ठीक है हम लोग डार्विन की बात करें, कन्वर्जेंट एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो हम लोग मैच करते हैं बेटा एक बार फिर से। कह रहा है कि एक पहला देखते हैं, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक एंड आर एग्जांपल ऑफ, ये लोग एग्जांपल हैं बेटा, देखो सेम स्ट्रक्चर है, सेम डिफरेंट स्ट्रक्चर है बट सेम फंक्शन, ठीक है ना। तो सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, ये होमोलॉगस यानी ये किसके हो जाएंगे बेटा, एनालॉगस हो जाएंगे, जो इसमें दे नहीं रहा है, ठीक है। एनालॉगस का मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस, ठीक है। और बी ऑक्सीजन दे रहा है, ये गलत, CO2 होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक। और उसके बाद हम लोग अगर देखें फोर्थ वाला, रिगार्डिंग टू द डार्विन इवोल्यूशन टू प्लेस ड्यू टू स्मॉल वेरिएशंस बी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ए ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसका बेटा पहला ऑप्शन आ जाएगा,
ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप ज़रूर पढ़िएगा इसको अच्छे से। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। 36 की अगर हम लोग बात करें, अगर आइडेंटिफाई द करेक्ट कंक्लूजन रिगार्डिंग द गिवन स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देयर आर द पैटर्न्स ऑफ द फॉसिल्स रिकॉर्ड सजेस्ट अदर स्पीसीज हैव डाइवर्ज फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर स्पीसीज। ठीक, सेकंड है बायोजियोग्राफिकल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्पीसीज इंस्टेंट डिस्टिंग बर्ड्स स्पीसीज न्यूजीलैंड टेन टू द डिसम्बर अदर सजेस्टिंग आर कॉमन एंसेस्टर्स। थर्ड कह रहा है देयर आर द कॉमन स्टेज इन द अर्ली एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट विद इन द सर्वाइवल ऑफ डिस्टिंक वर्टिब्रल ग्रुप्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सच अस फोर लिम्स डिफरेंट ग्रुप्स अपीयर टू बी मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द स्ट्रक्चर दैट माइट हैव बीन प्रेजेंट इन अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, इसमें हम लोगों को बताना है बेटा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग अ गिवन स्टेटमेंट। तो पहला है आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो इवोल्यूशनरी प्रोसेस, नहीं। दे आर द एविडेंसेज ऑफ लैमार्क थ्योरी ऑफ, नहीं। एविडेंस ऑफ द डार्विन थ्योरी, यस। कॉमन ये किसको एविडेंस ऑफ द डार्विन थ्योरी ऑफ कॉमन एंसेस्टर को बता रहा, यानी हम लोग सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बेटा। 37 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्ट टू दियर एनवायरनमेंट हैव ग्रेटर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, सी होगा। ठीक है, 38 की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, एसर्शन रीजन ये हम लोग छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अब आएगा नहीं। 42 भी छोड़ दे रहे हैं, 43 भी। हम लोग मैचिंग के 45 से शुरू करते हैं, मैचिंग के क्वेश्चन करते हैं। मैचिंग के क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला म्यूटेशन, 45 देखते हैं, बहुत अच्छा मैचिंग के कुछ सवाल कर लेते हैं। 45 कह रहा है कि म्यूटेशन इज चेंज इन द पॉपुलेशन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे हम लोग इसको, जीन फ्लो, ठीक है ना, सोर्स ऑफ न्यू। उसके बाद कह रहा है कि जीन फ्लो इज, जीन फ्लो क्या है, इमिग्रेशन इमाइग्रेशन चेंज एलील फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही। और नेचुरल सिलेक्शंस क्या है बेटा, डिफरेंट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यस डार्विन की थ्योरी। और डी का जो है बेटा फर्स्ट होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, फ्यूचर चेंज इन द पॉपुलेशन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी इसका डी ऑप्शन होगा 45 का डी बेटा। 46 अगर हम लोग देखें, 46 कह रहा है, अच्छा सवाल है बेटा 46 भी, 46 कह रहा है कि ह्यूमन एम्ब्रियोज, ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियोज हैव गिल ऑन्टोजेनी रिपीट्स, क्या है बेटा ऑन्टोजेनी रिपीट्स है। और ओपेरिन एंड हाल्डेन की थ्योरी तो आपको पता होगा बेटा, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी थी। मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट तो आपको पता होगा, इन्होंने स्टिमुलेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, स्टिमुलेशन एक्सपेरिमेंट किया था। डी का अगर हम लोग देखें एनालॉगस आर्गन फाइलोजेनी, तो डी का बेटा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स होंगे, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शंस जाएगा बेटा सी, ठीक है। 47 देखते हैं, मैचिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं बेटा, इसमें भी जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैच करिए कॉलम वन कॉलम टू, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी बेटा कौन सी थ्योरी थी, अगर हम लोग देखें ए का क्या होगा बेटा, फोर्थ बायोजेनेटिकला, ए का जो होगा बेटा फिफ्थ होगा, यानी बायोजेनेटिकला चार्ल्स डार्विन, नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन मिलाना है। लैमार्क, अगर हम लोग लैमार्क की बात करें बेटा, तो इसमें ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इनकी बुक भी थी इसी पे आधारित। ह्यूगो डिवरीज साहब ने जो है फिलोसफी जूलॉजिक इनकी बुक थी। हीकल, अगर हम लोग हीकल की बात करें, ठीक है ना, अर्नस्ट हीकल, तो हीकल में अगर हम लोग देखें जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी, ठीक है ना बेटा, तो इसका जो ऑप्शंस जाएगा वो बेटा होगा 47 का ए ऑप्शन, ठीक है। 48 देखें, 48 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी बताइए, ठीक है ना। अब कह रहा है कि मीसोजोइक एरा,
ठीक, तो 160 मिलियन ईयर्स, ठीक है बेटा। और अगर हम लोग देखें डियोनियन पीरियड की बात करें, तो फर्स्ट डियोनियन पीरियड में फर्स्ट एम्फीबियंस आए थे, ठीक है ना। पैलियोसीन्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो इसमें रेडिएशन ऑफ द प्रिमिटिव मैमल्स आए थे, प्रिमिटिव मैमल्स, ठीक है ना। अगर हम लोग परमियन की बात करें तो प्रोलिफरेशन ऑफ द रेप्टाइल्स परमियन पीरियड में आए थे, यानी इसका ऑप्शन बेटा सेकंड हो जाएगा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ लेक्चर, आप पढ़िएगा वहाँ से जाके। 49 देखते हैं, कह रहा है कि साल्टेशन सिंगल स्टेपलाइज म्यूटेशंस ह्यूगो डिवरीज साहब की थ्योरी थी। फॉर्मेशन ऑफ द लाइफ वाज प्रोसीड्स, जो लाइफ का फॉर्मेशन बेटा स्टार्ट हुआ था, ये ओपेनिन और हाल्डेन ने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दी थी। रिप्रोडक्टिव फिटनेस डार्विन की थ्योरी है। लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग पास्टर साहब ने कहा था, यानी इसका बेटा पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, कह रहा है कि पहला वेलेस, ठीक है ना, वेलेस साहब ने जो काम किया था अपना बेटा, वो को प्रपोजर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक। मैल्थस एसे ऑन पॉपुलेशन, मैल्थस साहब ने क्या किया था, एसे ऑन पॉपुलेशन, मैल्थस साहब। हार्डविक बिरला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ही है। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म जो है बेटा वो बिस्टन, क्या है, बिस्टन बिटुलेरिया जिसको हम लोग कहते हैं, यानी इसका अगर ऑप्शन देखें बेटा डी होगा सही। अब हम लोग 51 की बात करते हैं। 51 में अगर हम लोग देखें बेटा, वाइज मैन क्या क्या है, राय करेक्टली मैच करें, वाइज मैन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, बिल्कुल सही। पास्टर साहब ने प्री एग्जिस्टिंग दिया था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर लैमार्क की थ्योरी थी। डिवरीज साहब ने नेचुरल सिलेक्शन नहीं, मेंडल साहब डार्विन साहब की थी। मेंडल ने थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस नहीं, ये भी डार्विन साहब की थ्योरी थी, यानी पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बेटा, ठीक है। 52 की बात करते हैं, कह रहा है इनकरेक्ट कौन है, होमो हैबिलिस, ब्रेन कैपेसिटी 800 CC थी, बिल्कुल सही। होमो इरेक्टस ईट मीट 1.5 मायो में जाया, ठीक है। नींदरथल मैन प्रोटेक्ट बॉडी, यस। डामाफिथिकस एरोज अफ्रीका आय, नहीं गलत, तो गलत कौन है बेटा, डी ऑप्शन। 53 देखें, कह रहा है फॉलोइंग पेयर स्टम्स नॉट रिलेटेड, ठीक है। विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आइटम इज नॉट रिलेटेड, इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन, सही। वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स एनालॉगस बटरफ्लाई ऑफ विंग्स, ठीक है। एडाप्टिव रेडिएशन वर्टिब्रेट हार्ट, नहीं ये बेटा होमोलॉगस के हैं, यानी डी हो जाएगा बेटा ऑप्शन इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 अगर हम लोग देखें, 54 में हम लोगों को मैच कराना है। पहला अगर हम लोग ये देखें क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड्स है। बी अगर हम लोग देखें, मिक्सचर ऑफ गैसेस मेथेन वाटर H2 ये सब हैं, ठीक है। और अगर हम लोग सी देखें, सी क्या है बेटा, लिक्विड हम लोग ने रख दिया था ताकि कंडेंस्ड हो। डी वैक्यूम है, यानी पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा बेटा। 55 अगर हम लोग देखें, ये आप लोग देख के बताइए, कॉमन एंसेस्टर हैं, डिफरेंट बीक्स के एरोज हो रहे हैं बेटा, तो आप क्या कहेंगे, ये नेचुरल सिलेक्शन है, एडेप्टिव रेडिएशन है, दोनों, यानी डी ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ये डी ऑप्शन करेक्ट है इसके। 50 अगर हम लोग 6 की बात करें, ये भी अच्छा एग्जांपल है। 56 में डी अगर हम लोग देखें, कह रहा है कि गिवन डायग्राम से आप बताइए क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से अलग अलग स्पीशीज एरोज हो रही हैं, तो 56 का डी है बेटा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है। 57 बहुत अच्छा सवाल है बेटा, 57 आप लोग मैच करिए इसको, पहला दूसरा तीसरा मैंने ये बताया था बेटा। 57 की अगर हम लोग बात करें, तो जो ए है बेटा वो स्टेबलाइजेशन है, और बी जो है डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, और सी डिसरप्टिव है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। 57 की हम लोग बात करें तो 57 होगा। 58 की अगर हम लोग बात करें,
कह रहा है कि फॉलोइंग गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट ए बी सी डी, तो इसमें हम लोगों को 58 में पता लगाना है कि कौन क्या है। एक मिनट, चलिए ये डायग्राम दिए हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ए बी सी डी हम लोगों को पता लगाना है, ठीक है ना। तो ए क्या है बेटा? कार्बोनीफेरस। बी जो है ट्रैसिक पीरियड। सी क्रिटेशियस। डी क्वाटरनरी। ठीक है, बहुत अच्छा है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। 59 की बात करें, अगर 59 में कह रहा है कि गिवन स्टेटमेंट ये किसके होमोलॉगस हैं या एनालॉगस हैं, तो ये क्या है बेटा? होमोलॉगस हैं एज वेल एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दोनों का नाम सेम होता है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, तो 60 में कह रहा है कि ये आपको क्या शो कर रहा है डायग्राम? स्केल ऑफ टू डिफरेंट मैमल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्या होता है? कंपटीशन फॉर लिमिटेड फोर्सेस लीड टू द सिलेक्शन ऑफ द डिफरेंट ट्रेड्स, यानी 60 का डी ऑप्शन होगा बेटा। ठीक है, तो हम लोग इतना ही रखते हैं बेटा। सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए बहुत अच्छे से, और 60 क्वेश्चन इवोल्यूशन के करा दिए हैं। अब हम लोग आज जो है यही कर ले रहे हैं, हम कल जो है आप लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। ठीक है ना बेटा? थैंक्स फॉर वॉचिंग।